हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्यारा सा क्यूट बॉय और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। और जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे ब्लॉग में जो ऐसी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें जो आपने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में देखी ना होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस द बेल आइकन एंड शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ गुजर रहे थे तो हमको ये दिखा बड़ा सा तालाब, और ये काफ़ी पुराना है क्योंकि हमारे जो दादा परदादा थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो तो यहाँ पर किश्ती करते थे, यानी कि बेस्टिंग करते थे। आपको दिखा दे इसका व्यूज़ और जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में। ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना बड़ा पुराना यानी तालाब है। आप देख सकते हैं इसमें ही रेसलिंग करते थे हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे, और आज भी करते हैं, पर ये तालाब पूरा भरा हुआ है इसलिए रेसलिंग नहीं हो पाती है। दिस इज अमेजिंग पैलेस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज। तो दोस्तों, हमको इतनी बड़ी तो इंग्लिश आती नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ी बहुत आपको सुना देते हैं। ये हमारे गाँव का जो अभी नया बना है, और ये पुराना हमारी भाषा में जिसको वट बोलते हैं, और ये पुराना लंका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिजन जो अपनी लव स्टोरी का सीन चालू है, आप देख सकते हैं साजन चले ससुराल। और यहाँ पर हमारे पुराने जमाने के बुजुर्ग जो पता नहीं क्या कहते, काका थोड़ी स्माइल तो दे दो, ब्लॉग चल रहा है, फेमस हो जाओगे आप। चलो आप, हम आपको बताते हैं ये कितना पुराना है। हमने आपको बता दें 2011 और 12 में बना है, देख सकते हैं आप। क्योंकि हम झूठ से ज़्यादा सच्चा बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना हमको आता ही नहीं। और जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और आपको हमारा टॉमी भी दिखाते हैं। चलो, हेलो माय स्वीट टॉमी, और थोड़ा इधर देख ली, और क्या करता है, पानी चाहिए या दूध चाहिए, कुछ मुँह से बोल यार, तेनू की चाहिए बोल, कुछ नहीं चाहिए लगता है हमारे टॉमी को। उसको जब हम छोटे थे ना, तभी इधर ही खेलने के लिए आते थे, यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करते थे ना, जब 10वीं में जीडिया स्कूल में कोठारा में, जो काफ़ी शानदार स्कूल है। और यार ये टॉमी, तेनू की चाहिए बोल, तू 10 में नू, तेनू की चाहिए बोल। ओ प्यारे, देखो आप इसकी आँख में लग गया है, आप देख सकते हैं। तुझे याद ना मेरी आए किसी से अब क्या कहना, कितना मासूम चेहरा है, आप देख सकते हैं, हमारे ऑडियंस देख सकते हैं कितना मासूम चेहरा है। और ये पुराने ज़माने के जो वर्ड है काफ़ी शानदार है, इसमें हम चूल्हा खाते थे जब हमारी 10वीं चल रही थी ना यहाँ पर कोठारा में, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारे पुराने ज़माने के घर हमारे गाँव में, जो 100 साल हो गए आज भी ऐसी है, देख सकते हैं आप डिज़ाइन इसका, व्यूस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। दोस्तों, हमको जाना था उस पार, और रास्ता आप देख सकते हैं बारिश के कारण पूरा ख़राब हो चुका है। हमको जाना तो था उस पार, लेकिन रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हम ऊपर से चलते हैं। हमारे गांव के पुल है ना, जो हमारे गाँव में काफ़ी शानदार और बहुत बढ़िया है, आपको दिखाता हूँ, जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे गांव का आदमी जो, और ये तो साला आसानी से पार कर गया बे, और धक्का लगा डर जाएगा। तो दोस्तों, इन भाइयों ने कर लिया ये रोड क्रॉस, लेकिन हमने तो आपसे वादा किया है ना कि हम ऊपर से ही जाएंगे। आप आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। दोस्तों, चलते हैं आप हम अपने घर, और काफ़ी सारा थक गए हैं यार, चाय वाय पियेंगे, चलते हैं। तेरे दीदार की तलाश में आते हैं, वरना आवारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। यही शायरी है ना जिसने मेरा ब्रेकअप कराया था, शायरी पे विश्वास मत रखो यार। ये ज़मीन देख रहे हो ना आप, काफ़ी बढ़िया है, जो हमारे गांव में
50 लाख है इसका एकड़ का, देख सकते हो आप। तो दोस्तों पहुंचाए हैं अब हमारे घर पर और चाय तो तैयार ही है, आप देख सकते हैं। तो हम अपना ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।